आई इंडिया को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आज के समय पर ये प्लेटफॉर्म सच्ची खबर और समय पर खबर लोगों को पहुँचाएगी, वहीं जो सच्चाई के साथ पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज मीडिया पर उठ रहे हैं। मीडिया की सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का है, और मुझे उम्मीद है आई इंडिया चैनल आपका क्रेडिबिलिटी के साथ ईमानदारी से सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाएगी। यूपी विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आ रहा है, दल बदल की सियासत भी तेज पकड़ होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सदर के भाजपा विधायक राकेश राठौर की अखिलेश यादव के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब सिधौली से बसपा के निष्कासित विधायक हरगोविंद भार्गव की एक फोटो सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या है इस वायरल फोटो का सच और क्या सियासी उठापटक हो रही है, इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, बता दें आपको कि अखिलेश यादव इस बार जो है बहुत ही फूट फूट कर, जैसे कहते हैं कि बदलाव की बयार को लेकर के उनका नारा है कि बदलाव की बयार होगी इस बार, वैसे ही वो एनकेन प्रकारेण इस बार का विधानसभा चुनाव फतेह करना चाहते हैं। तो वो जो है दूसरे दलों के जो मठाधीश हैं, जो माननीय हैं, उन पर भी दाव लगा रहे हैं, और ये समय समय पर अखिलेश यादव इस तरीके की फोटो वायरल करते हैं। आपको बता दें कि एक माह पहले भाजपा के सदर के विधायक जो हैं राकेश राठौर की अखिलेश यादव के संग फोटो वायरल हुई थी, उस दौरान भी बहुत हो हल्ला मच गया था कि क्या सदर विधायक राकेश राठौर ने भाजपा वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन ये उनकी मुलाकात थी और उस मुलाकात की फोटो वायरल की गई थी ताकि एक राजनीतिक क्षेत्र में एक सनसनी फैले और माहौल बने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि वही मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब एक फोटो जो है सिधौली से बसपा के निष्कासित विधायक हैं डॉक्टर हरगोविंद भार्गव के संग अखिलेश यादव की एक फोटो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि हालांकि पूर्व में भी बसपा से जो निष्कासित विधायक हैं हरगोविंद भार्गव, जब वो बसपा में थे, निष्कासित नहीं हुए थे, तब भी वो मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव के पार्टी कार्यालय पर। उसके बाद जो बसपा की मुखिया है मायावती ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, उस दौरान पार्टी के अन्य विधायक भी थे, उन पर भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब ये जो बसपा के विधायक सिधौली से हरगोविंद भार्गव की फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई है, इसको लेकर के आपको बता दें कि आज त्योहार का दिन है, लेकिन ये बड़ी तेजी से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच है, उससे पहले इस फोटो ने तमाम दलों के नेताओं को जो है इस पे गुणा भाग लगाने पर मजबूर कर दिया है। ये जो फोटो वायरल हुई है इसके साथ एक अपील भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर को जो सिंहपुर कार्यालय है वहां पर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे, ताकि जो डॉक्टर हरगोविंद भार्गव की लखनऊ में ज्वाइनिंग होनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच सके। तो बहुत दिनों तक, पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है सिधौली में जो डॉक्टर हरगोविंद भार्गव हैं, उनके पिता राम दुलारे भार्गव जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सिधौली से, उनकी फोटो लगाकर समाजवादी पार्टी के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। अब समाजवादी पार्टी में डॉक्टर हरगोविंद भार्गव की इक्का दुक्का फोटो भी देखी जाने लगी है। तो इतना तय है कि डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का समाजवादी पार्टी में आना तय हो चुका है, लेकिन कहां से लड़ाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद सुशीला जो है उन्होंने, और सुशीला सरोज जो है उन्होंने एक इस तरीके की नाराजगी कहिए या फ्रंट पर आकर के सार्वजनिक ऐलान किया था कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मनीष रावत ही लड़ेंगे। तो मनीष रावत क्योंकि बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हारे थे, वो पूर्व विधायक हैं और उनको हराकर ही डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जीते हैं, और हरगोविंद भार्गव दूसरी बार के विधायक हैं सिधौली से। तो इस तरीके से अब वहां पर क्या स्थिति बनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि हरगोविंद भार्गव का समाजवादी पार्टी में जाना बिल्कुल तय हो चुका है,
और आपको ये भी बता दें कि अभी हाल में पार्टी के जो महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज जब सीतापुर आए थे तो उस दौरान जो है ये जो सदर विधायक हैं भाजपा के इनके समर्थकों ने नारा लगाया था इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद राकेश राठौर जिंदाबाद। तो ये सब एक तरीके से जितने बसपा के लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी में लाने का काम इंद्रजीत सरोज जो कि भारत जो अभी तक बसपा में एक बड़े नेता के रूप में माने जाते थे अब वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको अखिलेश यादव ने दी हुई है वो कर रहे हैं। ऐसी भी संभावनाएं आ रही है कि एक और बड़े नेता भाजपा के जिनको भाजपा ने वजूद नहीं दिया जा रहा है और वो बसपा के बड़े नेता रहे हैं वो भी इस समय जो है समाजवादी पार्टी से अपनी लाइन लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं। और वो दलित नेता हैं जिनकी बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है बसपा में उस पे भी दौरे पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के। तो इस तरीके की फोटो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव निकट जैसे जैसे आएगा और ये सब आपको सामने आता रहेगा। जी चूंकि ये जैसा कि सब लोग जानते हैं 2017 के पहले सीतापुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, ये मजबूत किला माना जाता था, 7 विधायक थे समाजवादी पार्टी के। चूंकि सिधौली में भी पूर्व विधायक मनीष रावत एक बार रह चुके हैं और कम अंतर से हारे थे, अब अगर ये डॉक्टर हरगुण भार्गव सपा में आ रहे हैं और जैसा कि सुनने में आ रहा अन्य विधायक भी सपा में आ रहे हैं तो क्या सपा में भी खेमेबाजी नहीं शुरू हो जाएगी टिकट को लेकर के? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि खेमेबाजी को शुरू हो चुकी है। आई इंडिया ने एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से सुशीला सरोज ने दहाड़ मारी थी और ये सच है कि बहुत ही कम अंतराल से मनीष रावत चुनाव हारे हैं और वहां पर बराबर वो साइकिल यात्राएं भी निकाल रहे हैं इसीलिए उन्होंने अपनी सक्रियता भी और तेज कर दी थी हालांकि उनकी सक्रियता बनी हुई थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है क्योंकि इनके पास एक हरगांव जो विधानसभा है जहां पर उपयुक्त पार्टी की इनके तलाश है वहां से कई हालांकि प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में जो अपने आप को प्रत्याशी में कई दावेदार जो है वो वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में किसी न किसी की शिफ्टिंग होगी ये भी सवाल उठ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब दो मौजूदा विधायक पहुंचेंगे तो जो पूर्व विधायक हैं तो उनके भविष्य को लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें करने शुरू कर दिए हैं क्या उन पर ही दांव लगाएगी सपा या फिर जो आएंगे पार्टी में उनको एडजस्ट करने के लिए उन पर दांव लगाएगी ये आगे समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये दोनों जो विधायक आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में मौजूदा विधायक हैं कहीं ना कहीं उचित सम्मान उनको देने का आश्वासन जरूर मिला होगा। ये कहां शिफ्ट करेंगे अभी इस पर पत्ते नहीं खुले हैं इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा उनकी कैसी सेवाएं लेगी समाजवादी पार्टी ये भी भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि दो विधायकों का समाजवादी पार्टी में आना ये बड़ी बात है पार्टी के लिए और पार्टी यहीं से अपना उत्थान करेगी अपने आप को ऊंचा बनाएगी ऊंचा करेगी क्योंकि 20 सालों तक एक समान सीतापुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कभी 7 विधायक कभी 5 विधायक कभी 6 विधायक तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी फिर एक बार मजबूती से सीतापुर में उतरने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है और ये जो दल बदल जो पार्टी के विधायकों को लाने का जो पार्टी ने शुरू किया है अभियान ये पार्टी को मजबूती भले दिखाए लेकिन अंतर कला को भी बढ़ाएगा। जी बिल्कुल चूंकि दो विधायकों का सिटिंग विधायकों का समाजवादी पार्टी में आना तय है सीतापुर में समाजवादी पार्टी का पहले से ही मजबूत कुनबा है। चूंकि पार्टी मजबूत जरूर होगी विधायकों के आने से लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी कैसे खेमेबाजी को अपने मैनेज करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अवध क्षेत्र की सियासी खबरों से रूबरू रहने के लिए अपडेट रहने के लिए आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया।